और एक दूसरी खबर जो कि आजकल चर्चा में है, सुर्खियों में है, 84 कोसी परिक्रमा, इस पर रोक बरकरार रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया है। राज्य सरकार ने 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगाई थी यूपी सरकार ने, और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार के इस फैसले को सही बताया है और कहा है कि 84 कोसी परिक्रमा पर रोक बरकरार रहेगी। इसके खिलाफ, सरकार के फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी कोर्ट में, और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज किया और सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने मोहर लगाई कि 84 कोसी यात्रा जो बीएचपी करना चाह रही है उस पर राज्य सरकार की जो रोक है वो सही है, बिल्कुल जायज है। आपको बता दें कि 25 अगस्त को यानी कल ये परिक्रमा का ऐलान किया है बीएचपी ने, घोषणा की है, और इस पर यूपी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। यूपी सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में। लखनऊ बेंच ने ये याचिका की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज किया और कहा कि राज्य सरकार ने जो 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगाई है वो बिल्कुल जायज है, सही है, और इसलिए ये याचिका, ये अर्जी जो है वो खारिज की जाती है और रोक जो है वो बरकरार रहेगी।